हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कोई भी अपडेट है या फिर अदर किसी शिक्षक भर्ती को लेकर कोई अपडेट होती है तो सबसे पहले आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाती है। एक बार दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, 36,402 शिक्षक भर्ती जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस पर मैं बात करने वाला हूँ। काफ़ी लोगों को शुरू से लग रहा था भाई, मैं एक महीने पहले से ही आप सभी को बता रहा था कि इसका नोटिफिकेशन आएगा, इनके अंदर 200 वैकेंसी आने वाली है, लगभग सहायक अध्यापकों की 25,000 के आसपास इसमें होंगे। लेकिन काफी लोगों को लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसी कोई भर्ती आने वाली फिलहाल नहीं है। तो उसको लेकर दोस्तों जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ वो मैं आप सभी को दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, भारांग मुद्दे पर लगातार दोस्तों सरकार की जो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं बहुत ज्यादा, दोस्तों सरकार के लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कल की दोस्तों एक और सुनवाई हुई, उसके अंदर दोस्तों इसका ऑर्डर आया, तो ऑर्डर के अंदर सरकार ने जो कोर्ट ने दोस्तों सरकार को दोबारा से नोटिस जारी किया और एजी साहब को दोस्तों पहले ही नोटिस जा चुका है, जो कि एजी साहब को नोटिस मिल चुका है। अब दोस्तों सरकार को वहां पर जवाब देना पड़ेगा, सरकार दोनों साइड से फंस चुकी है, एक तरफ कट ऑफ मुद्दा और दूसरी तरफ दोस्तों भारांग मुद्दा। आप सभी को बताया कि भारांग मुद्दे को लेकर सरकार पहले ही दूर हट रही थी, क्योंकि कुछ लोग पहले इसमें बोल रहे थे कि भाई भारांग मुद्दे को इसके साथ अटैच कर दो तो टैग करने का कोई मैटर ही नहीं था। अब सरकार वैसे ही फंसती जा रही है क्योंकि सरकार इस पर नोट जो है कहीं ना कहीं काउंटर एफिडेविट दे भी जारी नहीं करना चाहती है, क्योंकि इसके अंदर सरकार पहले से ही काउंटर एफिडेविट को जो है नहीं ज्वाइन करना चाहती, नहीं देना चाहती। इसको लेकर दोस्तों लगातार सरकार की तरफ से यहाँ पर ढीला रवैया अपनाया जा रहा है, लेकिन अब दोस्तों सरकार को यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। तो पहले दोस्तों मैं आप सभी को इसी को लेकर जो है बात कर लेता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट कल सुनवाई हुई है आप सभी के सामने दिखा देता हूँ। तो इलाहाबाद कोर्ट के अंदर क्या है दोस्तों, एक दिन बाद ऑर्डर अपलोड होता है, 23 तारीख की सुनवाई है, उसको लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक दिन बाद यहाँ पे जो आप सभी को ऑर्डर वो देखने के लिए मिलता है, रिट ए अगर नंबर की बात करें तो 11,151/2019 आप सभी के सामने है। यहाँ पर दोस्तों फिर से जो है एक इस केस को सुना गया, इसके साथ दोस्तों रिट भी जो है मतलब कि टैग की गई है, आप सभी को पता होगा 27,668/65,200 इसके साथ पहले से टैग है। तो यहाँ पर दोस्तों लगातार सरकार को बोला गया है कि आप जो इस पर काउंटर एफिडेविट फाइल करें, और अब दोस्तों सरकार को यहाँ पर फाइल करना पड़ेगा। अगर सरकार दोस्तों ज़्यादा इसमें ढीला रवैया अपनाएगी तो अवमानना नोटिस भी जारी किया जा सकता है सरकार के अगेंस्ट, यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा है। पहले तो दोस्तों एजी साहब को पिछली बार की सुनवाई में बोला गया है, और उसके बाद अब यहाँ पे बोला है दोस्तों ऑल रिस्पोंडेंट, जितने भी रिस्पोंडेंट हैं सबको यहाँ पर बुलाया गया, और उसके बाद जो काउंटर एफिडेविट है उसको फाइल करने की बात की गई लगातार कोर्ट की तरफ से। डेट आप सभी यहाँ देख सकते हैं 23/7/2019। तो जैसा मैंने आप सभी को पहले कहा था कि भारांग मुद्दे को अगर गवर्नमेंट एक साथ सुने, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई कट ऑफ के साथ इसको टैग कर दो, अब ये कट ऑफ के साथ अगर टैग हुआ होता तो क्या इसके अंदर सुनवाई हो पाती। आप सभी को बताया कि कट ऑफ पर पहली सुनवाई नहीं हो पाई है, लेकिन दोस्तों लगातार इसकी दो सुनवाई हो चुकी है और इसकी जो अगली तिथि है वो भी लग चुकी है। मैं आप सभी को दिखा दूं, पहले सबसे बड़ा सवाल था कि भाई कट ऑफ को लेकर सुनवाई नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, अब लगातार दोस्तों आप सभी को सुनवाई देखने के लिए मिल रही है। दो सुनवाई 19 तारीख को हुई, अब दोस्तों 23 तारीख की सुनवाई, और अब दोस्तों एक और अगली डेट लगी है, बहुत जल्दी डेट लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार उससे पहले जो काउंटर एफिडेविट दाखिल करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठ जाता है लगातार दोस्तों सरकार को यहाँ पे जो है काउंटर एफिडेविट के लिए बोला जा रहा है, लेकिन सरकार का ढीला रवैया दोस्तों आप सभी के सामने है। तो पहले मैं आप सभी को अगली डेट दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे की चीज़ें कवर करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने अवेलेबल रिट ए 11,151 जो आप सभी के सामने मैंने अभी आपको सुनवाई दिखाई है। तो फिलिंग डेट दोस्तों 19/7/2019 के डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो 20/7/2019 को दोस्तों रजिस्ट्रेशन हुआ था। जो अगर बात करें सुनवाई जो हुई है आप सभी के सामने 23 जुलाई 2019 को कल आप सभी के सामने अवेलेबल है, मतलब कि परसों हुई है, लेकिन ऑर्डर कल अब पब्लिश हुआ है। और अगर हम दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर देते हैं अगली जो सुनवाई को लेकर, यहाँ पे आप सभी के सामने डेट अवेलेबल है जिसकी मैं बात करूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि डेट जो है वो पास लगी है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो कि डेट बहुत लंबी है। यहाँ लिखा है 21 अक्टूबर 2019 यहाँ पे लिखा है, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को उससे पहले एक चीज़ दिखा दूँ, ये तो दोस्तों ये इसको लेकर काफ़ी तमाम याचिकाएँ लगी हुई हैं, ये दोस्तों 11,151 की है जो मैं आप सभी के सामने अवेलेबल कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उससे पहले अगर आपको बताऊँ तो एक दोस्तों ये भी आप सभी के सामने आ जाती है जो कि भारांग को लेकर मुकेश राय की तरफ से लगाई गई थी। सबसे पहले दोस्तों ये वाली याचिका चल रही है, लेकिन इसकी जो सुनवाई है दोस्तों वो 26 तारीख को होने वाली है। तो कहने का मतलब है दोस्तों लगातार याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, पहले दोस्तों वही याचिका भारांग को लेकर थी, उस पर लगातार 2-3 सुनवाई हुई जिसमें एजी साहब को बुलाया गया, एजी साहब के बाद दोस्तों जो सारे के सारे पेटिशन है उनको बुला करके काउंटर फाइल करने की बात की गई। अब दोस्तों मुकेश राय की जो डेट लगी हुई है उसके ऊपर भी सुनवाई होने वाली है दोस्तों, तो इसकी जो सुनवाई होगी वो 26 जुलाई
2019 के आसपास आप सभी को होने वाली है। केस लिस्टेड हो चुका है, दो चार दिन और लेट हो जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि अब लगातार सुनवाई में क्या है कि अभी तीन दिन पहले ही सुनवाई देखने के लिए मिली है, वहाँ पर भी सरकार की तरफ से काउंटर दाखिल नहीं किया गया है। तो क्या अब सरकार इसमें जो है काउंटर दाखिल करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि पिछले केस की जो सुनवाई है वो तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लग गई है, लेकिन कोई कंसर्न नहीं है अगर दोस्तों इस केस पर भी अगर सरकार काउंटर फाइल कर दे, या सरकार को दोस्तों दोबारा से लताड़ लग जाए काउंटर फाइल करने के लिए, या फिर नोटिस जारी कर दिया है, तो सरकार की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब लगातार दोस्तों भारांग मुद्दे पर सुनवाई हो रही है, जिसको लेकर सरकार को अब जवाब पेश करना पड़ेगा। लेकिन सरकार दोस्तों अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी जवाब भारांग को देकर देने के लिए तैयार नहीं लग रही है। उम्मीद है दोस्तों जल्दी से जल्दी सरकार इस पर भी जवाब अपना देगी और जो आने वाली चीज़ें वो क्लियर हो जाएँ। तो कोर्ट नंबर 29 के अंदर 35वें नंबर पर दोस्तों सुनवाई होने वाली है, 26 तारीख को कट ऑफ मुद्दे से पहले इस पर जो है सुनवाई हो जाएगी। जो भी होगा जैसी भी अपडेट आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं 36402 को लेकर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो अब दोस्तों आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवेलेबल है जिसकी हम बात करें 36402 TGT PGT भर्ती को लेकर। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों उप सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं डेट कब की है, 24/7/2019, मतलब कल ही दोस्तों इसको जारी किया गया है। मैंने आप सभी को बार बार इसको लेकर बताया था कि भाई इसको लेकर अधियाचन मांगे जा रहे हैं, पहले ऑफलाइन अधियाचन मांगे जा चुके थे जिसमें जो पद की संख्या निकल कर के आई थी वो 36402 के आसपास निकली थी। तो अब दोस्तों इसको बिल्कुल श्योर करने के लिए दोबारा से अधियाचन मांगे गए हैं, जो कि ऑनलाइन है। कल परसों दोस्तों एक न्यूज़ भी आई थी जिसके अंदर इसमें बोला गया था कि कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही दिखाया, लापरवाही के चलते ही दोस्तों अभी तक जो है सारे अधियाचन पूरे नहीं किए गए हैं। तो आप यहां देख सकते हैं दोस्तों आप सभी के सामने उपयुक्त विषय का आपको अवगत कराना है कि जो दोस्तों अघातन के मात्र 3200 संस्थानों दोस्तों अभी तक जो अधियाचन ऑनलाइन भेजे हैं, जिनके अंदर लगभग जो बात किया है तो 22200 पद दोस्तों आप सभी के सामने आ चुके हैं। ये TGT PGT को लेकर है दोस्तों, बार बार पूछते हैं किसके अंदर वैकेंसी है, TGT PGT के अंदर है दोस्तों। तो आप सभी को बता दूं अब तक दोस्तों 3200 संस्थानों के अंदर से अगर हम बात करें तो 22200 पद रिक्त की संख्या दोस्तों आप सभी के सामने आ चुकी है, जिसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो सहायक अध्यापक के पद कम से कम 16 से 17 हज़ार तो पूरे होंगे, क्योंकि 36402 में से 25 हज़ार के आसपास जो सहायक अध्यापक के पद निकल करके आए थे, अब दोस्तों यहाँ से ऑनलाइन मांगे जाए तो हो सकता है डाटा थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन हो सकता है कि डाटा थोड़ा सा भी जाए। तो अभी दोस्तों आप सभी को मैं यह बता दूं कि 1100 संस्थानों से अभी भी दोस्तों बाकी है, 1129 यहां पे लिखा हुआ है कि अभी इतनों का दोस्तों कहीं ना कहीं और ज्यादा बाकी है। अगर मैं आपको यहां पे दोस्तों सिंपल सा बता दूं कि अगर 1129 में अगर 10-10 भी निकल आते हैं, अगर 10-10 भी यहां पर निकल आए तो दोस्तों वैकेंसी जो है बढ़कर के सीधी की सीधी आप सभी के सामने 11,000 हो जाएगी। तो आप यहां देख सकते हैं कि 22,000 पहले से आ चुकी है, और अगर 10,000 और बढ़ जाते हैं मैं आप सभी को बता दूं तो 32,000-33,000 के आसपास तो आपको ही आसानी से यहां पर जो देखने को मिलने वाली है। TGT PGT में बहुत बड़ी वैकेंसी आप सभी के सामने आ रही है, जिसको लेकर लगातार मैं आप सभी को बता रहा था। एक बार दोस्तों आप सभी का लगातार सवाल आता है कि सर इसको लेकर आप सबको समझा दो कि क्या क्या होने वाला, किस तरीके से होगा। देखो दोस्तों इसमें क्या है, TGT PGT थोड़ा सा इस बार सब्जेक्टों में चेंज होगा, थोड़ा सा मतलब कहने का सिलेबस में चेंज होगा, और जब तक दोस्तों श्योर सिलेबस नहीं होगा उसको लेकर बताया नहीं जा सकता, क्योंकि TGT PGT है। अगर हम बात करें यूपी टेट है दोस्तों, यूपी टेट में वही सिलेबस रहना है तो उसको लेकर हम बता देंगे। हाँ ऐसा हो सकता है कि उसका लेवल बढ़ा दिया जाए, तो लेवल को लेकर कोई कंसर्न नहीं होता है, लेकिन एक बार दोस्तों इसको लेकर ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन जारी होगा, आप परेशान मत होइए। अगस्त में वैकेंसी आने वाली है, आवेदन प्रक्रिया इसकी शुरू हो जाएगी और काम भी अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों अब 1129 अभी तक बचे हैं, उनमें से अगर हम बात करें कि 10-10 पद भी निकलते हैं एक संस्थान में से, तो आप सभी के सामने 33 से 34 हज़ार के आसपास वैकेंसी निकलने वाली है। जैसा कि दोस्तों ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से पता चला था कि 36402 पद जो अभी रिक्त हैं, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। किसी को लगता है भाई कि ऑफिशियल है कि नहीं, तो आप यहां देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज 24/7/2019 की दोस्तों लेटेस्ट बिल्कुल आप सभी के सामने ताज़ा अपडेट है, जो मैं आप सभी के सामने लेकर के भी आया हूं। कल दोस्तों देर रात इसको जो है जारी किया गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, साथ में दोस्तों अखबार में भी ये वाली न्यूज़ आप सभी के सामने आ चुकी है कि कॉलेजों में शिक्षकों के 22,000 पद खाली हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और कल दोस्तों सीटेट की आंसर की भी जारी हो चुकी है, जो लोग दोस्तों सीटेट की आंसर की जारी देखना चाहते हैं या फिर दोस्तों ऑनलाइन उस पर ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप सभी जो ऑब्जेक्शन है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों 3200 पर आप माध्यमिक स्कूलों प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों में 22200 पद जो है खाली है दोस्तों आप सभी के सामने अवेलेबल है। तो 1881 पदों की सत्यापित कर चयन बोर्ड को अंतिम रूप से भेजा गया है, जो कि 6627
असत्यापित करते हुए प्रबंधन पत्र से जानकारी जो है मांगी गई है। तो दोस्तों आप सभी के सामने अवेलेबल है, फिलहाल दोनों तरफ से मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट दिखा दी है। तो अगर हम बात करें दोस्तों 31 जुलाई रात 12 बजे तक अध्याचन प्रक्रिया चलती रहेगी और जब तक दोस्तों उम्मीद है कि काफ़ी इसमें पदों की संख्या आप सभी को देखने को मिलने वाली है और अगस्त में ही दोस्तों इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। और दोस्तों इसके बाद मैं आप सभी को बता दूँ कि अगस्त के अंदर ही आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलने वाला है। तो परेशान मत होइए, अपनी तैयारियाँ करते रहिए। मैंने आप सभी को पहले भी कहा था भाई, जब 69,000 को लेकर फंसे हुए थे तो मैंने आपको बोला कि देखो आप टाइम खराब मत करिए, थोड़ा सा आप इंतजार करिए, बहुत जल्द दोस्तों आप सभी के सामने कुछ होने वाला है जो कि जिसको लेकर दोस्तों आप सभी को थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगस्त आते आते आप सभी को वैकेंसी मिलने वाली है और सीटेट की आंसर की जारी हो चुकी है, काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों इसके अंदर गलत हैं और जिसको लेकर दोस्तों इसमें क्या है कि यूपीटेट में तो आप किसी भी क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करा देते हैं क्योंकि वहाँ फ्री होता है, लेकिन सीटेट का ये बहुत ही खराब सिस्टम है जिसको लेकर दोस्त पैसे लेते हैं और पैसे लेने के बाद ही दोस्तों जो ऑब्जेक्शन है वो दर्ज किए जाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों जो ऑब्जेक्शन दर्ज करने के 26 जुलाई तक आप सभी दर्ज कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप सभी नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, मैंने इसको लेकर एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आप सभी को बताऊंगा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं और किस किस को जो है क्या क्या प्रूफ है जिसको लेकर आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।